अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सरूर आलम और आप सभी को स्वागत हमारे आपके यूट्यूब चैनल पेट जी पर। दोस्तों आज का वीडियो में मैं 6 यानी कि 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं सोनाली मुर्गी रिलेटेड, जो सबसे ज़्यादा मुझे पूछे जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन, मैं पहले सब क्वेश्चन बोल देता हूँ, इसके बाद फिर क्वेश्चन बोलूँगा और आंसर बोलूँगा। पहला जो क्वेश्चन है कि सोनाली मुर्गी का अंडा क्या देसी मुर्गी का अंडा का तरह ज़्यादा प्राइस में सेल किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, अंडे देने वाली मुर्गी को क्या मोरोग देने की ज़रूरत है, मतलब देना पड़ेगा ही। और तीन नंबर जो क्वेश्चन है, मतलब अंडे के लिए मुर्गी पालने से लाभ होगा ही, ऐसा मुझे क्वेश्चन किया जाता है। और चार नंबर जो होता है, मतलब सोनाली मुर्गी का एज कैसे समझे, मतलब उसको देखकर उसका वजन देखकर कैसे उसका एज का पता करें। और पांच नंबर जो क्वेश्चन आता है कि कितने सारे मुर्गी के लिए कितने सारे मुर्गा चाहिए। और छह नंबर जो क्वेश्चन है कि खाने के अंडे के लिए मुर्गी पालने से उसको क्या मुर्गा का ज़रूरत है या नहीं। तो मैं पहला क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि सोनाली मुर्गी का अंडा देसी मुर्गी का अंडा के तरह ज़्यादा प्राइस में बेचा जा सकता है या नहीं। तो मैं ये बोलूँगा आपका इलाका का, आपका लोकेलिटी का डिमांड कैसी है, डिमांड के ऊपर निर्भर करके आप अंडे के लिए मुर्गी का फार्म करिए। अगर डिमांड अच्छा है तो आप मतलब गारंटेड ज़्यादा प्राइस में आप अंडा सेल कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि अंडे देने वाली मुर्गी को का मुर्गा देना ही पड़ेगा। तो अगर आप खाने के लिए अंडा चाहते हैं तो मुर्गा नहीं देने से भी चलेगी, और बच्चे उठाने के लिए चाहते हैं तो अंडा दे मुर्गा देना ही पड़ेगा। तीन नंबर जो क्वेश्चन आता है कि अंडे के लिए मुर्गी का फार्म करने से कि लाभ होएगा ही, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि पहला वाला क्वेश्चन के तरह कि आपका डिमांड अच्छा रहे, चूजे का अच्छा रहे, तो आप ज़रूर फार्म कीजिए, इनक्यूबेटर मशीन लीजिए, बच्चे उठाए, चूजे बेचिए, लाभ होगा ही होगा। और चार नंबर जो क्वेश्चन आता है कि सोनाली मुर्गी का एज कैसे समझे, तो मैं यहाँ पर मुर्गी का बात बोलूँगा, मुर्गा का नहीं। तो अगर आपका मुर्गी का वजन 700 ग्राम है तो समझ लीजिएगा वो 55 से 60 दिन का है, और 900 ग्राम है तो 90 डे प्लस है, और 1100 से 1200 वजन है तो 120 डे प्लस है, अगर उसका सब कुछ ठीक ठाक रहे तो। और कितने, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने मुर्गे के लिए कितना मुर्गी के लिए कितना मुर्गा चाहिए। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा, बड़े बड़े फार्मर बोलते हैं कि 10 मुर्गे के लिए एक मुर्गा चाहिए। तो आपका यानी यदि ज़्यादा मुर्गी है, समझ ले कि आपका 50 मुर्गी है, तो आप वहाँ पे 6 या 7 मुर्गा दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा देने से आपका मुर्गी का जो अंडे होगा उसका चिक्स का फर्टिलिटी रेट परसेंटेज कम हो जाएगी। तो 50 मुर्गी में आप 6 या 7 रखिए, 100 मुर्गी में आप 12-13 मुर्गा दीजिए, बहुत है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है कि खाने के अंडे के लिए मुर्गी को क्या मुर्गा देना ही पड़ेगा, वो तो मैं पहले बता दिया कि खाने के लिए अंडे रेडी करेंगे तो वहाँ पर मुर्गा नहीं देने से भी चलेगी, और मुर्गी अपने आप अंडे देगी, वहाँ पे मुर्गी मुर्गा नहीं चाहिए। खाने के अंडे के लिए मुर्गा का कोई ज़रूरत नहीं। तो यही था आज का मोस्ट 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। और आपका किस रिलेटेड वीडियो चाहिए वो हम बता देंगे, और इनक्यूबेटर रिलेटेड एक वीडियो हम इस चैनल में देंगे, तो बहुत ही जल्दी आने वाली है। थोड़ा काम बम का प्रेशर के लिए वो वीडियो रेडी नहीं किया जा सकता, तो मैं बना कर जरूर दूंगा। तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा आपका किस किस प्रॉब्लम है, क्या क्या रिलेटेड वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर से वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा ही करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, बात होगी नेक्स्ट नो टॉपिक पर, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।